أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو ايش پارون آز تو اندو سيات فورت کلاس مز اردو اس مز یہ نظم تاک نظم سنا کہنا بڑوں کا مانو بپار یہ تو تھو یو پانی کتاب کو نظر پیج نمبر شو 31 ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی نعمت رحمت खैरो कुटोक उनकी हक में तुम्हारी नियामत कड़वी नसीहतों में उनकी बरा है अमृत चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उनका रहना डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सहना चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की जितनी है उम्र छोटी उतनी है अकल छोटी है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों को मानो यह नज़्म मंशु अल्ताफ़ हुसैन हाली सोबनान लगन बचन नसीहत करान इत फोटन कि माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की नियामत जो अल्लाह ने आपको दिए हैं ये माँ बाप और उस्ताद ये तुम्हारे हक में रहमत है ये तुम्हारे लिए रहमत है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नियामत जो ये आपको रोकते हैं कभी टोकते हैं यानी नसीहत करते हैं बाज रखते हैं मना करते हैं वो तुम्हारे हक में ही बेहतर यानी नियामत होती है कड़वी नसीहतों में उनकी बरा है अमृत जो आपको ये नसीहत करते हैं या कुछ सिखाते हैं वो आपके लिए अमृत है अमृत यानी आपकी ज़िंदगी में भलाई है या बेहतरी है चाहो अगर बड़ाई अगर आप बड़ाई चाहते हो अगर आप अच्छाई चाहते हो तो कहना बड़ों का मानो तो आपको बड़ों का यानी माँ बाप या उस्ताद का कहना मानना चाहिए माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना जिसने ये शायर कहता है इस नज़म में इस शायर में जिसका माँ बाप का मानना माँ बाप का कहना न माना दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना तो उसका इज्जत से दुनिया में रहना दुश्वार होता है यानी मुश्किल होता है डर है पड़े न सदमा कहीं उसको सदमा न पड़ेगा किसका कैसा सदमा जिल्लत का यानी रुसवाई का सदमा पड़ेगा उसको चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की यानी जो छोटा बच्चा होता है उसको अपनी अच्छाई या बुराई की कुछ खबर नहीं होती जितनी उसकी उम्र जितनी है उम्र छोटी जितनी बच्चे की उम्र छोटी होती है उतनी उसकी अकल भी छोटी होती है इसीलिए शायर कहता है कि माँ बाप का मानना चाहिए माँ बाप के कहने में आपकी बेहतरी है आपकी अच्छाई है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी जो बड़ों की मर्ज़ी होती है उसमें आप ही के लिए अच्छाई होती है चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो अब कुछ अल्फाज है जिनका माने तो आप समझ गए होंगे लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिखती हूँ आपके लिए कुछ अल्फाज के माने पहले इसमें है रोक टोक मना करना रोक टोक का माना है मना करना अमृत यानी आब हयात अजीज मीन्स प्यारा सहना बर्दाश्त करना दुश्वार के मायने हैं मुश्किल यानी या कठिन
सदमा, सदमा का माने है दुख, जिल्लत मीन्स रुसवाई।